अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना इस्लामिक की किताब का सफ़ा नंबर 2 खोलिए। हमने अपने पिछले लेक्चर में ज़बर की तनवीन तक किया था, आज इंशाल्लाह हम लोग अगला जो है वो लेक्चर है वो करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या है? ज़ेर की तनवीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ेर की तनवीन। जब नून के साथ जेर की आवाज निकालनी होती है तो हरफ के नीचे दो जेर लिखते हैं, ठीक है, दो जेर, इसे जेर की तनवीन कहते हैं। मसलन हमजा दो जेर इन, बा दो जेर बिन, ता दो जेर तिन, ता दो जेर तिन, जीम दो जेर जिन, हा दो जेर खिन, खा दो जेर खिन, दाल दो जेर दिन, जाल दो जेर जिन, ठीक है। अगला सफा सफा नंबर 3, पेश की तनवीन। पेश की तनवीन में हरफ पर एक सीधा और दूसरा उल्टा पेश लिखकर नून की आवाज निकालने को पेश की तनवीन कहते हैं। मसलन हमजा दो पेश उन, बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, ता दो पेश सुन, जीम दो पेश जुन, हा दो पेश खुन, खा दो पेश खुन, दाल दो पेश दुन, जाल दो पेश जुन। अगला है हमारा टॉपिक खड़ा जबर। जिस हरफ पर खड़ा जबर होता है इसकी आवाज अलिफ की तरह खुलकर ऊपर उठती है। खड़ा जबर अलिफ का कायम मुकाम है। खड़े जबर की अलामत छोटा, अब देख लीजिए कि खड़े जबर की अलामत क्या है, छोटा अलिफ हरफ के ऊपर लगाई जाती है। मसलन हमजा खड़ा जबर आ, बा खड़ा जबर बा, ता खड़ा जबर ता, ता खड़ा जबर ता, जीम खड़ा जबर जा, हा खड़ा जबर हा, खा खड़ा जबर खा, दाल खड़ा जबर दा, जाल खड़ा जबर जा। जी हमारा अगला टॉपिक है खड़ा जेर। खड़े जेर की अलामत हरफ के नीचे आती है। खड़ा जेर या का कायम मुकाम है। जिस हरफ के नीचे खड़ा जेर होता है इसकी आवाज या की तरह नीचे को जाती है। मसलन हमजा खड़ा जेर ई, बा खड़ा जेर बी, ता खड़ा जेर ती, ता खड़ा जेर ती, जीम खड़ा जेर जी, हा खड़ा जेर ही, खा खड़ा जेर खी, दाल खड़ा जेर दी, जाल खड़ा जेर जी। जी अगला हमारा टॉपिक है उल्टा पेश। उल्टे पेश की अलामत इस तरह की होती है, ठीक है। उल्टे पेश की अलामत हरफ के ऊपर बनाई जाती है। ये वाव का कायम मुकाम है। जिस हरफ पर उल्टा पेश होता है उसकी आवाज वाव की तरह गोल होकर निकलती है। मसलन हमजा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश सू, जी उल्टा पेश जू, हा उल्टा पेश हू, खा उल्टा पेश खू, दाल उल्टा पेश दू, जाल उल्टा पेश जू। हमारा आखिरी टॉपिक है तशदीद। तशदीद की इलामत हरफ के ऊपर लगाई जाती है। जिस हरफ पर तशदीद की इलामत हो इसे दो मरतबा पढ़ा जाता है और उसे मुशद्दद कहते हैं। मुझे उम्मीद है बेटा आपको इसकी समझ आई होगी। अपना याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।